हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शख्स इमाम के पास आया, इमाम ने कहा कि तुम ऐसे शख्स के पास बैठते हो जो खुदा पे यकीन नहीं रखता। कहा यबना रसूल अल्लाह मसला नहीं है, मैं तो खुदा पे यकीन रखता हूँ, वो जैसा भी हो। कहा नहीं, या तो तुम उसके साथ ताल्लुकात रखो या हमारे साथ ताल्लुकात रखो। अब ये इखलाकी बहुत बड़ा इशू है जान मोहतरम, मैं इसलिए इसको तो आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। कहा कि यबना रसूल अल्लाह क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो आपको मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, वो ना मानता हूँ। कहा नहीं। फिर इमाम ने उसे बनी इसराइल की एक वाक्य सुना। कहा कि हजरत मूसा के साथ, एक मूसा के जब निजात दिलाई तो मूसा के मानने वालों में से एक वो था जिसका बाप फिरौन की फौज में था, बाप उसका फिरौन में। जब ये दोनों मिल गए दरिया के किनारे पर, एक तरफ फौज फिरौन की पहुंच गई थी, एक तरफ ये थे, वहां पर जब हजरत मूसा ने बोला कि चलो, क्योंकि बाप से मोहब्बत थी, बाप दूसरी तरफ था, बाप की वजह से नहीं गया और बाद में उसके साथ गर्क हो गया, तो हजरत मूसा ने बोला कि खुदा बहरहाल इसको माफ करे, लेकिन अपने बाप की वजह से कितने ऐसे थे सदर इस्लाम में लोग कि जिन्होंने जब पहली जंगें लड़ी हैं तो अपने सगे भाइयों से भी लड़ी हैं, मगर जब इधर ईमान आ जाए तो फिर सामने रिश्तेदारियां। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार दोस्त है, कम्युनिटी है, माशरा है, एक टेबल पे नौजुबिल्ला कहीं शराब भी है, कहीं बुराई भी है, मुझसे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नहीं करता, मैं तो मुझे क्या फर्क। जब अजाब नाजिल होगा ना उस शख्स के ऊपर, तो खुदा ये नहीं देखेगा कि आप उसके साथ बैठे हुए थे। वो कुछ कौमें कि जिसमें परवदिगार ने हुक्म दिया मलाइका को इनके ऊपर अजाब नाजिल करो, कहा परवदिगार इसमें तो अच्छे लोग भी हैं, कहा इन अच्छे लोगों का कोई फायदा नहीं, ये जो बुराई को बुराई। तो आज हम अपने माशरे में क्या कर रहे हैं, वो इसको ये नहीं करता, वो यूं नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार लेके खड़े हो जाएं, लोगों को सही करो ना, आदाब है, शराइत है, लेकिन मैं जवानों से कह रहा हूं, अगर आपकी गैदरिंग, आपका उठना बैठना खुदा ना खास्ता कोई नशे करता है, कोई गलत काम करता है, और आप इस चक्कर में कि नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता, कि मैं नहीं नहीं करता करता कल करना शुरू हो जाएगा, और कितने लोग बर्बाद हो गए हैं आपके सामने। मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। दोस्त इंसान को बचा भी देता है, दोस्त इंसान को बर्बाद भी कर देता है, और इंसान के वजूद के ऊपर उसके दोस्त के असरात होते हैं। आप अपने जवान बच्चों में निगाह डालें, आप देखें अगर रवैया बदल रहा है तो जागता कहां है, उठता कहां है, बैठता कहां है, किससे बात करता है। अभी अमेरिका थोड़ी है कि आप बोले 18 साल का हो गया तो खुद मुख्तार हो गया, माँ बाप को कुछ बोले 15 को फोन कर देगा, पुलिस आ जाएगी। पाकिस्तान है, पूछे मोबाइल के, अपने भी पासवर्ड खोल के रखे, बच्चे भी खोल के रखे, चेक करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है जाने मोहतरम। हमने अपने छुपाए हुए, बच्चे भी छुपा के रखते, हम खुद मुश्किल में है, दूसरे को क्या पकड़ा। दोस्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दोस्त वो है जिसे देखकर तुम्हें खुदा याद आए। इंसान के अखलाक के ऊपर बहुत असरात हैं इन सारी चीजों के।